धार्मिक पंडित जी थे। पंडित जी कहीं गए थे, पंडित ने घर थी। एक आदमी आ गया, पंडित ने पूछा कि जी कौन हो? बोले मैं हूँ भगवान का साला। कि जी भगवान के साले हो क्या? हाँ। अब पंडित आनी बेचारी क्या करती, उसने बड़ी खातिर की, बड़ा माल खिलाया उसे और आराम करने के लिए चरपाई दे दी। चलो जी आराम करो पंडित जी। उन्हें आराम किया बिजाने, शाम के नंबर में पंडित जी आया, भाई यो आदमी कौन सो रहा भाई? बोले जी ऐसी बात ना कर तुम, यो आदमी तो बड़ा कीमती है। अरे भाई इसका इसमें कीमती होने की क्या बात है? बोले जी भगवान का साला है। बोले ओहो ये तो हमारा भाग गया भाई, भगवान का साला है आ गया। बोले तो उठाइए तो जी। उसे उठाया साहब, समझे, नमस्कार वमस्कार हुई। बोले भाई कौन है आप? बोले भाई मुझे नहीं पहचानते। बोले भाई हम नहीं पहचानते। बोले हम भगवान के साले हैं और आपकी तपस्या से जो है भगवान खुश है, इसलिए हम यहाँ आ गए। बोले कि अच्छा, बोले तो बड़ी अच्छी बात है, कहो जब मेरी पत्नी ने इतनी सेवा तुम्हारी कर दी, अब मैं भी तुम्हारी सेवा करूँ? बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं आप मेरे कंधे पर बैठिए, आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं। अब उसने साहब उस आदमी को कंधे पर बढ़ा लिया और कंधे पर ला के मंदिर में लेके पहुँच गया। अब बोले भूत नहीं गए, जब तेरे बहनोई का घर यहाँ मौजूद है तो हमारे घर क्यों आया? अपने बहनों का माल खा, हमारा माल खा लिया।